हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब कैसे होगा सिलेक्शन, क्योंकि दोबारा से सब कुछ चेंज कर दिया गया। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन, पूरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का प्रोसेस का निचोड़ आपको मिल जाएगा। नया लेटर क्या आया है वो भी आपको दिखाएंगे। आपकी नौकरी कितने दिन की है वो भी आपको बताएंगे। नौकरी कितनी सेफ होगी एचआरएन में अब आपकी, वो भी आपको बताया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नया फॉर्म भरने का जो नया तरीका है वो क्या रहेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम फॉर्म भरने वाले सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिस रहने वाला है। अब नौकरी क्या आपकी 58 साल की होगी या नहीं होगी ये भी इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जो भी मेरे भाई और मेरी बहन जो भी नए आए आज हमारे चैनल पर, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले हर एक इंफॉर्मेशन हर एक अपडेट आपको सबसे पहले सच्चाई के साथ में हर एक नोटिस आपको मिलता रहेगा। तो एक बार आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं कि जो नया लेटर है, इन सब टॉपिक आपको बताएं, इनके ऊपर हम जिक्र करेंगे सबका बारी बारी से, इसका पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये लेटर आज के दिन आप सभी के बीच में शेयर हो चुका है। नहीं हुआ है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो सिलेक्शन जो प्रक्रिया थी उसको बदला गया है। पहले आपके 150 नंबर में सिलेक्शन होता था, वो बहुत ही कठिनाई के सामने आपका काफी बच्चों का ऑफर लेटर नहीं आ पाते थे। अब उनके ऑफर लेटर आराम से आएंगे, क्योंकि दोबारा से सब कुछ चेंज कर दिया गया है, पॉलिसी में चेंज हुआ है। कहां पर क्या क्या चेंज किया गया एक बार ध्यान से समझिए, फुल इन्फॉर्मेशन आपको पूरा निचोड़ इस वीडियो में दे दिया जाएगा। जिसके अंदर अब परिवार पहचान पत्र आईडी के जो नंबर होंगे वो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 40 नंबर आपको किस टाइप से दिए जाएंगे ये आगे आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। 40 नंबर कितने-कितने इनकम वालों को कितने-कितने होंगे वो आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। टोटल आपके नंबर होंगे 40। इसके आगे आपको बात करते हैं कि आपका वेटेज, आपका एज का जो नंबर होगा, फैमिली आईडी के जो आपके एज होगे उससे इंफॉर्मेशन, आपका क्राइटेरिया देखा जाएगा। परिवार पहचान पत्र आईडी से आपका एज मैच होगा तो उसके 10 नंबर दिए जाएंगे। ये किस प्रकार से मिलेंगे ये भी आपको आगे बताया जाएगा। स्किल क्वालिफिकेशन हो गया उसके 5 नंबर होंगे। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कुछ कर रखा है, MBA कर रखा है, MSc कर रखा है, कुछ भी हायर सेकेंडरी जो आपका हायर क्वालिफिकेशन हो गया उसके 5 नंबर और अलग से मिल जाते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, हायर वाले नहीं मिलेंगे। इस टाइप से ये आपकी क्वालिफिकेशन के नंबर हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए, 60 नंबर तो ये हो गए। आगे भी आपको दिखाते हैं कि आगे किस प्रकार के नंबर और बांट रखे हैं। आगे आपका वेटेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर होते हैं 10 नंबर आपको दिए जाते हैं। ये भी आपको किस टाइप से होगा वो आपको बताएंगे। वेटेज ऑफ कॉमन एजुलिटी जो आपका टेस्ट होता है, जो आपने CET का एग्जाम दे रखा है, चाहे आप ग्रुप सी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो या ग्रुप डी का, अगर आप क्वालिफाई हैं किसी भी एग्जाम के अंदर CET के, तो 10 नंबर आपको और मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका बिल्कुल ईजिली सिलेक्शन हो सकता है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पर काम करते हैं जहां पर आपको प्रोविजन सी पैरा 4 नंबर देखिए जिसमें क्या लिखा गया है, 10 नंबर के बारे में क्या लिखा गया है कि आपका अगर जिले के वाइज में जो आपका जिला है उसके अंदर ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपका सिलेक्शन होता है, वहीं पर आपकी जॉब लगती है, तो 10 नंबर के अंदर वहां पर क्राइटेरिया के हिसाब से उसके भी 10 नंबर आपको मिलेंगे। मान लो आप हिसार से बिलोंग करते हैं, हिसार में कोई जॉब आ रखी है, तो अगर वहां पर आपका सिलेक्शन होता है 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप हिसार में जॉब करने से महेंद्रगढ़ वाले हिसार में जॉब करते हैं तो उनको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। यह सीधा सा साधारण उनको बता दिया गया है। परी स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अगर आपका गवर्नमेंट है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंस यहां पर कौन सा अप्रूव्ड हो जाता है वो आपको बताऊंगा। अगर आपने ITI कर रखी है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं, ITI कर रखी है, ITI के बाद में आप अप्रेंटिस करते हैं, अगर रोडवेज डिपार्टमेंट से आपने अप्रेंटिस की है, अगर बिजली विभाग में की है, अगर कोई भी अदर महकमे से आपने अप्रेंटिस कर रखी है, गवर्नमेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में, तो आप इसमें लगा सकते हैं। 10 नंबर के क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे और अच्छे से आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, 100 में से जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। तो 100 नंबर में कितने वाले का सिलेक्शन होगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट नोटिस रहता है। तो भाई गुरु बहनों, 40 नंबर भी आपके आ सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस के भी आप 10 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि जिसने अप्रेंटिस किया होगा वो भी इसका 10 नंबर का हिस्सेदार बन सकता है। CET क्वालिफाई है तो 10 नंबर ये आ जाएंगे। अगर आपके जिले में जॉब आ रखी है 10 नंबर ये हो जाएंगे। अगर आप वेटेज सोशो इकोनॉमिक्स के 10 नंबर, इसमें से आपके कुछ भी नंबर ना आए तो भी दिक्कत ना है, 30 नंबर तो सीधे ये हो गए। 30 नंबर में से 60 नंबर उधर वाले भी आपके साफ साफ आने चाहिए। 60 नंबर कौन से वो भी आपको बताता हूं, कितने पे सिलेक्शन होगा एक बार आपको आइडिया दे देता हूं इस वीडियो में, ओके।
तो 30 नंबर तो आपके सोशो इकोनॉमिक के आप छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के 40 के 40 नंबर आपके आने चाहिए। एज के आपके 10 नंबर आने चाहिए। अगर सोशो इकोनॉमिक में आपको 5 नंबर मिल जाता है, 5 नंबर आपका इस साइड से जो वेटेज आपका एज वाला इसका मिल जाता है, तो 10 नंबर ये हो जाएंगे। तो आपके सीधे से कितने नंबर हो गए, 30 नंबर वो हो गए, 40 नंबर ये हो गए, 70 नंबर तो सीधे हो गए। 5 नंबर और लगा लीजिए, 5 सोशो इकोनॉमिक्स के लगा लिए, 5 आपके एज के लगाएंगे तो 10 नंबर ये हो गए, 80 नंबर हो गए। क्वालिफिकेशन अगर आपकी हायर सेकेंडरी है या कुछ भी आपने एक कर रखा है इसके अंदर, दोनों कर रखे हैं, तो 5-5 नंबर और मिल जाएंगे, 10 नंबर ये हो जाएंगे, तो 85 नंबर आपके सीधे से बन जाते हैं। जिसके अंदर आपको अत्यंत परिवार योजना वाला जो कार्ड बनवाते थे, अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। 50 नंबर उसके थे, वो हटा दिए गए हैं, अब उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उसको कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि परिवार पहचान पत्र आईडी से ही आपका वेरीफाई होगा, सब कुछ उसी के नंबर मिलेंगे, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके अंदर नंबर किस प्रकार से मिलेंगे, 40 नंबर किसको दिए जाएंगे वो आप समझिए एक बार, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं। 40 नंबर का सीधा सा साधारण सा जो उदाहरण दे रखा वो इस प्रकार का रहने वाला है। 40 पॉइंट आपको किस प्रकार से मिलेंगे, अप टू आपकी इनकम जो सर्टिफिकेट है 1 लाख तक है, तो आपको 40 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 1 लाख है या 1 लाख से नीचे का आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो 1 लाख रुपए आपको पूरा मिलेगा, और आपको 1 लाख रुपया सॉरी रुपया नहीं मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा 1 लाख तक का। 1 लाख से ऊपर 1,80,000 तक आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा तो 30 नंबर मिल जाता है। 1,80,000 से 3 लाख तक का जिसका भी इनकम सर्टिफिकेट है उसको 20 नंबर मिलेगा। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक के 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर 6 लाख से ऊपर का आपका एनुअली जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, उसका कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये आज आपके सामने सारी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी पूरा निचोड़ कर देंगे इस वीडियो में, आपको पूरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बताएंगे। ओके, तो वो नंबर तो आपको समझ में आ गए जो 40 नंबर थे। 1 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, सीधा 1,80,000 तक का इनकम सर्टिफिकेट है तो 30 नंबर मिल जाते हैं, वो आप सभी के सामने रहने वाला है। 3 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर मिल जाते हैं, और 6 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो वो तो इनकम सर्टिफिकेट के नंबर हो गए। एज ऑफ कैंडिडेट 10 पॉइंट्स आपको इस प्रकार से मिलेंगे। आपकी एज अगर 24 से 36 साल तक आपकी एज की बिलोंग करते हैं तो 10 नंबर आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर 24 से 36 तक के जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को 10 नंबर मिलेंगे। अगर 18 से आप 18, 20, 21, 22 जो भी आपकी एज होगी तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। 24 से 36 साल वालों को रोजगार देने के लिए 10 स्कोर आपका मैक्सिमम इसमें रखा गया है। 36 से 42 वालों को 5 नंबर इसमें मिलता है, तो 10 नंबर आप एज के भी आराम से निकाल सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के 40 नंबर आप ये निकाल सकते हैं, 50 नंबर तो सीधे से ये हो गए। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आपके 5 नंबर वो हो गए, 55 नंबर हो गए, और जो भी आपके अदर जो एक्सपीरियंस के आपका एक्सपीरियंस है किसी भी प्रकार का तो 10 नंबर वो हो जाएंगे, 65 नंबर हो गए। 65 नंबर के बाद सोशो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर लगा लो, 10 नंबर लगा लो, तो वहां पर 75-80 स्कोर तक तो सिंपल सा आपका पहुंचेगा। तो मेरा भाई गुरु बहनों, सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 80 से और जो भी मेरे भाई गुरु बहन 95 नंबर के बीच में आएगा तो उसका आराम से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। मैं आज ही आपको शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से बता रहा हूं, 95 नंबर आपके जुड़ रहे हैं तो आराम से सिलेक्शन होगा। 80 से आपका अबव स्कोर बनना चाहिए, 80 से ऊपर आपका स्कोर बनता है बिल्कुल आराम से आप सिलेक्शन निकालेंगे, बिल्कुल बिंदास होकर आप फॉर्म भरिए। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई भी अपडेट आता है, किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है। तो जो भी मेरे भाई और मेरी बहन जो भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां पर हर एक अपडेट मिल जाएगा। और आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। ओके, तो आपके एक वीडियो में सारे आपके क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। नया लेटर क्या है वो आपको समझा दिया, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी कितने दिन की है। अब मैं बताना चाहूंगा 58 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं, 58 साल की एज तक आप इसमें काम कर सकते हैं। लेटर आ चुका है क्योंकि उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो रिन्यू वाला सिस्टम है वो बारी बारी से करवाना पड़ेगा। हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस का रिन्यू आपको करवाना पड़ेगा। अगर किसी भी टाइम आपका रुक गया तो उसी टाइम आप बाहर हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू वाला सिस्टम है उस पर ध्यान दीजिए, जो आता है उसके ऊपर अपना कागज कार्रवाई जो भी होती है वो करते रहना। नौकरी कितने सेफ है, आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता रहता है तो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल बिंदास होके फॉर्म भरिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो नया तरीका आएगा, नया फॉर्म भरने का जो आएगा वो उसी टाइम आपको बता देंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अब आपकी जॉब हो गई 58 साल तक की एज तक आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। वो आपके रिन्यू के ऊपर है कि आपका जो रिन्यू वाला सिस्टम है रेगुलर होता रहेगा, टाइम टू टाइम आपका चलता रहेगा, तो बिल्कुल आराम से आपकी नौकरी सेफ है। तो भाई
आखिर बहनों, अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया, आपका कोई डाउट बच गया, तो बिल्कुल आराम से मुझे कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। हमेशा आपके साथ में जुड़े रहते हैं, हमेशा जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू आपको बताते रहते हैं। जो भी नए आए आज मेरे भाई और मेरी बहन, जो भी आपने छोटे भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगर आपने कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म लगा रखा जिसके बारे में आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई फॉर्म है जिसके बारे में अभी तक आपको आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आपका इशू रहेगा, उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में हर एक नोटिस देंगे, हर एक जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए, कमेंट प्यारा सा जरूर करना, आपका जो भी कमेंट होगा वो पढ़ा जाएगा, उसका रिप्लाई मिलेगा, जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सोल्व करेंगे। तो भाई और बहनों, इसी टाइप से हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे फास्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई और बहनों आपका लाइक एक एक मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई और बहनों वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।